हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पुआ बनाएंगे। वैसे पुआ या गुलगुला उत्तर भारत में होली या किसी विशेष ओकेजन पर जरूर बनाया जाता है। तो आज हम आटे का पुआ बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में सुंदर और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसे बनाना काफ़ी आसान है, तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो छोटी कटोरी गेहूँ का आटा लिया है मैंने, इसे छान करके लिया है, और एक कटोरी मैंने चीनी लिया है। आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, वैसे ये रेशियो परफेक्ट है। जितना हम आटा लेते हैं उसका आधा हम चीनी लेते हैं। आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। अब हम एक बाउल या कोई भी गहरा बर्तन लेंगे, इसमें आटा लेंगे, चीनी लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ 200 ml के करीब पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक बार में अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। टोटल इसमें 250 ml पानी लग गया है, चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है। आप देख सकते हैं इसमें लम्स बिल्कुल ही नहीं है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये अभी आपको काफ़ी पतला दिख रहा होगा, हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि बैटर अच्छे से फूल जाए। लगभग 6 घंटे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बैटर पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसे थोड़ा हम पतला करेंगे, तो इसके लिए हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेप को आप ध्यान से ज़रूर देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो ये वापस से घोल में मिल जा रहा है, इसमें कोई लम्स भी नहीं है और ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अगर आपका घोल ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आपके पुए मोटे मोटे बन जाएंगे। अगर घोल ज़्यादा पतला हो गया तो पुए शेप में नहीं बनेंगे, तेल में जाकर वो फैल जाएंगे। अगर परफेक्ट पुआ चाहिए तो वीडियो का हर स्टेप ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में मैं वो हर छोटी छोटी बातें भी शेयर करूंगी जिससे आपका पुआ परफेक्ट बने। अगर बैटर गाढ़ा हो गया हो तो उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे हम पतला कर सकते हैं। अगर बैटर पतला हो गया हो तो उसमें थोड़ा आटा डाल करके उसे हम गाढ़ा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका पुआ परफेक्ट बनेगा। मैंने इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स किया है, आप इसे हाथों से भी अच्छे से मिला सकते हैं। इससे बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाता है और पुआ अच्छे से फूलता है। अब हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें 2 बड़ा चम्मच के करीब मैंने सूखा नारियल लिया है, जिसको गरी भी बोलते हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच के करीब बादाम लिया है, जिसे मैंने काट लिया है। 10-12 काजू को भी मैंने काट करके लिया है, और 15-20 किशमिश है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच क्रश किया हुआ इलायची। अगर आपके पास सौंफ पाउडर नहीं है तो आप साबुत सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा पूरी तरह से पुआ बनाने के लिए रेडी हो गया है, तो चलते हैं पुआ बनाने। मैंने यहाँ कढ़ाई में देसी घी लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। घी हमारा गर्म है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और इसे इस तरह बीच में रखेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, यानी हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को यहाँ मैंने लो रखा है। कढ़ाई में हम उतना ही घी या तेल लेंगे जितना में हमारा पुआ अच्छे से डूब जाए, उससे ज़्यादा हमें घी या तेल नहीं लेना है। अब हम 1 कलछी बैटर लेंगे और कढ़ाई के बीचों बीच इस तरह बैटर डालेंगे। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो केवल वीडियो को देखिए नहीं, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके 1 लाइक और सब्सक्राइब कर देने से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। लगभग 20 से 22 सेकेंड लगे हैं, आप देख सकते हैं ये गुब्बारे के जैसा फूल गया है। अब हम इसके ऊपर छनौटे से घी या तेल डालते रहेंगे ताकि ये और अच्छे से फूल जाए और ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। छनौटे से हल्के हल्के दबाते हुए उलट पुलट कर सुनहरे होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुनहरा रंग आया है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसे कुछ सेकंड इसे किनारे पर ही रोक करके रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हम बाकी के पुए भी फ्राई कर लेंगे। इसे बच्चे के साथ साथ बड़े भी काफ़ी पसंद करते हैं। इसे आप बच्चों की लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे कटहल की सब्जी, छोला या पनीर की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इसे आप इस होली ज़रूर बनाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।